मैं हूँ आपका टीचर खुरम जावेद जज्बा तलीम के पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं हम अब जोट्री को भी स्टार्ट कर चुके हैं आज हम जोमेट्री का अगला चैप्टर चैप्टर नंबर टेन को स्टडी करेंगे ये चैप्टर काफ़ी ड्राई है लेकिन इसमें से अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं इस चैप्टर को स्टडी करने से लेकिन इसमें चंद एक इंपॉर्टेंट थ्यूरम्स हैं जो कि पेपर में जरूर आते हैं तो चलते हैं हम इस चैप्टर को अपने कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं चैप्टर नंबर टेन कंकुरट ट्राइंगल्स कंकुरट ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनकी साइड्स या एंगल्स आपस में बराबर होते हैं हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कंकुरेंसी ऑफ ए ट्राइंगल्स टू ट्राइ एंगल्स आर सेट टू बी कन्ग्यूरेंट रिटर्न सिम्बोलिकली एज कन्गुरेंट इफ देर एग्जिस्ट क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन दैम सच डेट ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कन्गुरेंट मतलब तमाम की तमाम साइड्स और एंगल्स अगर कन्गुरेंट हों सेम्स हों तो वो ट्राई एंगल्स आपस में कन्गुरेंट कहलाती हैं इक्वल होती हैं हम इसको थोड़ा सा लेबोरेट कर लेते हैं मसलन कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं लेट्स सी का ए एंड बी इनकी डिफरेंट साइड्स हैं ए बी एंड सी डी ई एंड एफ इनकी साइड्स होंगी इसी तरीके से इनके एंगल्स हैं बी का यहाँ पे एंगल है सी का यहाँ पे एंगल है ए का यहाँ पे एंगल है ई e का यहाँ पे एंगल है डी का यहाँ पे एंगल है और एफ़ का यहाँ पे एंगल है ये इनके एंगल्स हो गए और इसी तरह इनकी पहले साइड्स होगी अब हमें देखना ये है कि वो कन्गोरेट कब होती हैं कन्गोरेट देखने के लिए हमें साइड्स देखनी होगी अगर हम इसका एक विजन लें तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इनकी बेस और इसकी बेस और इनकी साइड्स आपस में इक्वल हैं एक दूसरे के अच्छा अगर हम इसकी साइड ए बी देखें जो इक्वल है डी ई के तो हमें नज़र आ रही है कि ए बी साइड इस डी ई के इक्वल है या कनगुरंड है इसी तरह बी सी साइड बी सी साइड इस ई एफ के इक्वल है कनगुर है इसी तरीके से सी ए साइड कंगुर है एफ डी के मतलब हमने यहाँ पे इन तीन साइडों को देखा और हमें पता चल गया कि तीनों के तीनों साइडें आपस में कंगुर हैं आपस में मुराद एक दूसरी ट्राइंगल से। अच्छा अब हम इनके एंगल्स देख लेते हैं ये देखिए यहां पे एंगल ए है ये एंगल डी के इक्वल है ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल है इसी तरीके से एंगल बी एंगल बी के इक्वल है इसी तरीके से एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है मतलब कि हमने जब इन दो ट्रायंगल्स को स्टडी किया तो उनकी साइड्स और उनके एंगल्स आपस में सिमिलर हैं इक्वल हैं या कन्गुरन हैं इन फैक्ट्स की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में कनगुरन हैं मतलब उनकी जब साइड्स इक्वल हो गए उनके जब एंगल्स इक्वल हो गए तो डेफिनेटली वो ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल होंगी हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और पासुलेट को साइड एंगल साइड पासुलेट क्या हो सकता है साइड एंगल साइड पासुलेट डेफिनेटली इसके अंदर एक साइड आ रही है फिर एक एंगल आ रहा है और फिर एक साइड आ रही है अगर हम इन दो साइड्स और एक एंगल को स्टडी करें तो हमें पता चले गया कि इसमें साइड एंगल और साइड इन फैक्ट्स की बेस पे हम इस पासुलेट को रिव्यूव करेंगे पर बताएंगे कि अगर ये चीज़ इसमें इक्वल बनती है तो फिर भी वो कॉन्गोरेट बनेगी या ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के कॉन्गोरेंट हैं तो वो ट्राइंगल ओके होगी या हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी मतलब इस पॉसुलेट के डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं स्टडी करते हैं इसकी डेफिनेशन से इन एनी क्रॉसपॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्येंट टू द क्रॉस्पिंग टू साइड्स एंड देर इनक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर दैन द ट्राइंगेंट लंबी डेफिनेशन है लेकिन वो कहता गया है वो कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हों और उनकी दो साइड और एक एंगल आपस में कन्ग्यूरेंट हो इक्वल हो या सेम हों तो वह ट्राई एंगल्स आपस में कन्गुरेंट होती हैं इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें यही था कि अगर तो तीन साइड्स तीन एंगल्स आपस में सेम है इक्वल है तो कन्गुर है अगर यहां पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर दो साइड और एक एंगल दो ट्राइ का आपस में सेम है इक्वल है कनगुर है तो वो ट्राइंगल्स आपस में कन्गुरट हो जाती हैं मतलब कि इन थोड़े से वक्त के अंदर हमें दो कॉन्सेप्ट मिल गए एक कि अगर तीन साइड्स और तीन एंगल्स दो ट्राई के आपस में सेम हो तो कन्गुरट होती हैं और इसी तरीके से अगर दो साइड और एक एंगल्स दो ट्राइंगल्स में आपस में कन्ग्रेट हों तो ट्राइंगल्स इक्वल या कन्ग्रेट होती हैं हम इस पॉस्टुलेट को यहाँ पे नोट कर लेते हैं और इसे यूटिलाइज करेंगे अपने थ्योरम की प्रूफ करने के अंदर थ्योरम नंबर वन इन एनी क्रॉस मार्डर्स ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कन्गुरेंट यहाँ पे रुक जाएं हम देखते हैं कि वो क्या डेफिनेशन दे रहा है इन एनी क्रॉस पंडर्स ऑफ टू ट्राइंगल्स मतलब सबसे पहली इंफॉर्मेशन इन थ्यूरम की पूरी स्टेटमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन गिवन है आपने सिर्फ यहीं से स्टेटमेंट से गिवन डाटे को पकड़ना है और उसको प्रूफ करके देना है इसलिए इन वर्ड्स पे खासी तवज्जो फरमाएं कि ये क्या कह रहे हैं सबसे पहली बात कि वो कह रहा है आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ठीक है हमने वो दो ट्राइंगल्स बना ली अब वो क्या कहता है फ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स आफ वन ट्राई एंगल यानी कि एक साइड और टू एंगल्स ऑफ वन ट्राई एंगल्स आर कंकुरेंट टू द क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर दैन द ट्राई एंगल्स आर कंकुरेंट ये हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है इस स्टेटमेंट के अंदर हमने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से पकड़ना है इसको राइट डाउन करना है गिवन कंडीशन पकड़नी है और अपने स्केच को ड्रा करना है और हमने प्रूव करना है चलें जी हम उसके मुताबिक यहाँ सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई अब हमने उसके मुताबिक एंगल्स बना लिए और साइड्स बना लिए कि हमारे पास ये ये साइड्स हैं फहरिस्त करें ये साइड्स है ये साइड्स है, है हमने यहाँ डिवेल्प कर ली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें वो बताता है कि ट्राई एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू या ट्राई एंगल ए बी सी रखती है ये सिमिलियर है ट्राई एंगल डी ई -E एफ के यानी कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं फिर एंगल बी और एंगल ई यानी कि एंगल बी इसका और एंगल ई उसका ट्राइंगल का आपस में कनगुरेड होगा अच्छा साइड बी सी और ई एफ बी आपस में कनगुरंड होगी साइड बी सी और साइड ई एफ बी आपस में कनगुरंड होगी इसी तरह से एंगल सी और एंगल एफ बी आपस में कंग्रह होगा एंगल सी और एंगल एफ आपस में कनगुरंड है मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी वो इस ऊपर वाली स्टेटमेंट में दे देता है यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट बन गया अब हमने प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कन्वरेंट होंगी ठीक है हम अब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं छोटी सी हम सपोज करते हैं कि लाइन ए बेस ए बी इक्वल नहीं है डी ई के ये हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे अपनी तरफ से इन्जम्पन ले रहे हैं कि ये साइड ए बी इक्वल नहीं है डी ई के उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं लेट सी के पॉइंट एम ये हम सपोज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे पॉइंट एम ड्रा कर लिया और वहाँ हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रा की कि वो लाइन ए बी है लाइन एम ई के मतलब लाइन ए बी इक्वल है लाइन एम ई के ये हमने सपोज़ किया यहाँ पे। इसके बाद हमने एम को इस एफ से मिला दिया यहाँ तक कि यह हमने अपनी तरफ से एक वर्किंग कर दी छोटी सी अब आगे बढ़ते हैं अच्छा हमारे पास चूंकि दो ट्रायंगल्स थी ट्राइंगल ए बी सी टू तो ट्राइंगल एम ई एफ मतलब कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट था हमने उसको छोड़ दिया और ट्राइंगल का जो नया पॉइंट जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था वहां पे यानी कि पॉइंट एम वहां से हमने उस ट्राइंगल को पकड़ा और हमने कहा कि हमारी जो गिवन ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर है अच्छा अगर ट्राइंगल आपस में सिमिलर हों तो उनकी साइड्स भी आपस में जैसी होंगी बिल्कुल उसकी साइड ए बी है कनगुरेड है साइड एम ई के यानी कि साइड ए बी कनग्रेड है साइड एम ई के कैसे पता चलेगा हमें हमने तो इसको कंस्ट्रक्ट किया था खुद से ठीक है इसके बाद उसकी साइड जो बी सी है वो साइड ई एफ के कनगुरेड है ये कहाँ से आ गई भाई भाई हमने तो इसने तो हमें खुद बताया था ये जो साइड्स जो आपस में कनगुर हैं वो खुद उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बताई थी ये भी हमारे पास आ गया अब हम इसके एंगल को देखते हैं तो उसका एक एंगल कनगुर है ये भी उसने गिवन कंडीशन के तहत बताया था तो उसका ये एंगल भी कन्ग्रेड है मतलब यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से एक इन्फॉर्मेशन हमने कॉन्स्ट्रक्शन से ली खुद की अपनी वर्किंग से और दो इन्फॉर्मेशन हमने गिवन कंडीशन से ली अब हम आगे देखते हैं ट्रायंगल एबीसी इज कोंग्रेन्ट ट्रायंगल एमईएफ यानी कि दोनों ट्रायंगल को हमने कोंग्रेन्ट कहला दिया है कैसे भाई भाई उसका अपना एक पॉस्टुलेट था जिसके मुताबिक उसने कहा था कि अगर दो साइड और एक एंगल आपस में कोंग्रेन्ट हो तो ट्रायंगल कोंग्रेन्ट होती हैं तो जब हमारे पास एक साइड फिर एंगल फिर साइड आपस में कोंग्रेन्ट निकल आए तो हमने उसको कोंग्रेन्ट कहला दिया इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि जो एंगल सी था हमारे पास ट्रायंगल का वो एंगल एम एफ ई के इक्वल था ये कहाँ से आ गया देखिए हम पिछली अपनी फिगर पे जाते हैं हमारे पास ये जो बन रहा है एंगल ये भी तो उस जैसा ही है ना क्योंकि हमने पीछे ही उसे कहा कि ये कन्ग्रेंट है तो जाए जब हमने ये एंगल कॉन्ग्रेंट बना दिया तो इसके मुताबिक हमने क्रॉस एंगल ऑफ कन्ग्रेट ट्राइंगल हमने कह दिया ये तो क्रॉस जो एंगल हैं वो तो के अच्छा अब लेकिन जो सी है वो तो डी एफ ई के इक्वल था वो कैसे वो तो उसने खुद बताया था जब उसने हमें बता दिया कि हमारे पास जो एंगल सी था वो डी ई एफ के इक्वल था गिवन कंडीशन में और अब यही एंगल सी नई बनने वाली कनग्राइ ट्रायंगल के एम एफ ई के भी इक्वल है तो इससे मुराद यह है कि एम एफ ई और डी ई सी डी एफ ई आपस में इक्वल होंगे मतलब एक चीज जो वो अपनी गिवन कंडीशन से दे रहा है और दूसरी वो चीज जो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन से ली अपनी वर्किंग कंस्ट्रक्शन से ली उसके मुताबिक दोनों चीजें आपस में सेम है यहां पे वो ये चीज क्लियर कर देता है अच्छा तो हम इसकी रीजंस कैसे देंगे उसको हम ये कहेंगे क्योंकि दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट थी इसलिए एंगल सी के इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट बन जाती हैं मतलब कि उसी की गिवन कंडीशन से हम अपने रिजल्ट्स निकालेंगे इसके बाद दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स एंड एम ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई ये तब ही पॉसिबल होता है जब डी एंड एम दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स में हों तो डेफिनेटली जब दो पॉइंट्स आपके सेम पॉइंट्स पे होंगे तो वो सेम इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे सेम लाइंस के ऊपर होने से उनके एंगल्स भी सेम होंगे उनकी साइड्स भी सेम होंगी अगर उनकी साइड सेम हो जाती हैं तो वो वहाँ पे कंगुरन कहलाएंगे क्योंकि साइड डी ई एफ और साइड एम ई एफ बहुत सारे कन्ग्रेंट है उस एंगल के तो हमारा ये केस यहीं पे ही सॉल्व हो जाता है इससे आगे देखते हैं ए बी इस कॉन्ग्रेंट टू डी ई इसने हमें बताया था कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं तो डेफिनेटली ए बी इस कॉन्ग्रेंट टू एम ई कंस्ट्रक्शन जब हमने बता दिया कि एक इन्फॉर्मेशन आप जो हमें दे रहे हो वो कॉन्ग्रेंट है दूसरी हमने अपनी कंस्ट्रक्शन से ले ली तो वो इन्फॉर्मेशन भी कन्ग्रेंट होगी तो डेफिनेटली दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में रिप्लेस होंगी और वो भी कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी मसलन कि ए बी इज डी ई एज एम ई डेफिनेटली डी ई और एम ई आपस में ये भी कन्ग्रेंट हो जाएंगी मसलन के देखें आधी चीज़ें तो वो वो हैं जो वो हमें अपनी गिवन कंडीशन के अंदर दे रहा है साइड्स दे रहा है एंगल्स बता रहा है मतलब बस ये सब कुछ कह रहा है कि ये सब कुछ आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर है और ये आपको वो प्रूफ करने से पहले ही इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आपको प्रूफ करने में हेल्प आउट हो सके मतलब जो आपके पास डिफरेंट साइड कन्ग्रेंट आ गई एंगल्स कन्ग्रेंट आ गए तो दो ट्राइंगल्स भी आपस में कन्ग्रेंट होंगी उनकी गिवन साइड्स भी आपस में कन्ग्रेंट होंगी हमारे पास यहाँ पे चार इक्वेशन बन जाती हैं टू फ्री एंड आगे चार यहाँ पर जो हमारे पास पहली इक्वेशन है ये हमें गिवन कंडीशन के मुताबिक मिली है वर्किंग कंस्ट्रक्शन करने से मिली है तो गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें जो दोनों इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं और तीसरी इंफॉर्मेशन वो हमें खुद ये बता रही है कि आप जो अपनी बात कह रहे हो वो तो आपके अपने साइड एंगल साइड के पासुलेट से और दो ट्राइंग के एंगल्स और साइड्स के अपनी कन्गोरेंटी से साबित हो रही है कि आपकी यहाँ पर ट्राइंग एंगल बन जाती है हम इसी तरीके से यहाँ पे अब उसके इस पास्ुलेट को प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल डेल्टा ए बी सी थी वो कंक्रन है ट्राइ एंगल डी ई एफ के और वो साइड एंगल साइड पासुलेट जो कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि हमारे पास अगर एक साइड हो वो कनग्रन हो दूसरी साइड के फिर एंगल हमारा वो भी कंक्रन हो दूसरे एंगल के तो फिर उसके बाद साइड फिर से कंक्रन हो एक और साइड के मतलब दो ट्राइंगल्स हो उनकी साइड एंगल और साइड

लेकिन बड़ी इंफॉर्मेटिव है कि फर्ज करें हमारे पास दो साइड हैं उनकी एक साइड और दो एंगल अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे तीन साइड तीन एंगल फिर दो साइड और एक एंगल यहां पर वह हमें कह रहा है एक साइड और दो एंगल अगर एक साइड और दो एंगल आपस में कंग्रेंट हो तो वह ट्राइंगल आपस में कनग्रेन हो जाती है अच्छा अपनी इस इंफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए वो हमें कुछ थ्योरम दे देता है हम उसको स्टडी कर लेते हैं थ्योरम अगला थ्योरम है जी इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइ एंगल्स आर कंकुरेंट देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कंकुरेंट मतलब ये है अगर गिवन ट्रायंगल एंगल की दो साइड्स आपस में कन्ग्रेंट होंगी तो वो ट्राई एंगल्स भी आपस में कन्ग्रेंट होंगी मसलन कि अगर उसने वो दो साइड्स आपको दे दी हुई हैं वहाँ पे एक ही ट्राई एंगल की तो वो आपस में कन्ग्रेंट है तो वो ट्राई एंगल आपकी कन्ग्रेंट बन जाती हैं लेकिन ये साइड अपोजिट हैं किस तरीके से देखिए इसका एंगल यहाँ पे और इसका एंगल यहाँ पे अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना आमने सामने हैं तो अपोजिट होंगे कोई भी चीज़ एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाए तो वो अपोजिट ही कहलाती है ना यहाँ पे भी वो दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट हैं एंगल अपोजिट बन जाते हैं जब वो एंगल अपोजिट बन जाते हैं तो उनकी साइड अपोजिट है लेकिन वो आपस में क्योंकि कन्गुरेंट है इसलिए पूरी की पूरी ट्राइंगल कन्ग्रेंट बन जाती है हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसकी गिवन कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें हेल्पफुल हो सकती है लेट्स सी के इन आ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज कन्ग्रेंट टू एंगल सी मतलब एंगल बी और सी आपस में कन्गुरेंट है इन अ गिवन ट्राइंगल के अंदर ही इसके बाद टू प्रूव ए बी इज़ कन्गुरेंट मतलब अपोजिट साइड टू देम आर आल्सो कन्ग्रेट और हमें ये प्रूफ करना है एंगल्स की इंफॉर्मेशन उसने गिवन कर दी है साइड की इंफॉर्मेशन हमने उसे प्रूफ करके देनी है अब हम करेंगे क्या हम एक बाई सेक्टर करेंगे जो के पॉइंट डी पे कट करे विद बी सी बेस के ऊपर बाईस से हम रात है कि हम ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ गिवन एंगल जो बेस को कट करता है और ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है बाई से मुराद दो होता है यानी कि बाइस सेक्टर दो हिस्से उन दो हिस्सों में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया मैं व्हाइट बोर्ड पर भी थोड़ा सा इसको कर देता हूं बाई सेक्टर, बाई से मुराद, दो और सेक्टर से मुराद हिस्से हिस्से या इक्वल बराबर हिस्से उसने गिवन ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जब उसने एक बाइस सेक्टर किया फ्रॉम जीरो टू पॉइंट नीचे इसके बाद इसके बाद वो क्या करता है कट कर देता है उन बाई सेक्टर को वहाँ आपके पास दो एंगल्स बन जाते हैं ये और ये दो एंगल जनरेट हो गए हैं एक ही ट्राइंगल के मजीद इससे आगे चलते हैं अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे जो गिवन कंडीशन है हमारे पास क्योंकि अब एक ही ट्राइंगल के दो पार्ट हैं हमने उस ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर लिया है मतलब कि हमने ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी जो आपस में सिमिलर हैं हमारे पास ये आ गई हैं जिनको हमने बायसेक करने से खुद बनाया था अब इस अगर ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास पहली जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है ए डी इज़ परपोर्शनल टू इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी मतलब कॉमन है अगर हम पिछली अपनी फिगर पे देखें तो ए डी कॉमन है दोनों के अंदर मतलब ये जो एक उसकी साइड है वो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन बन रही है अच्छा अगली इंफॉर्मेशन पे जाएं। ए बी इज एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी मतलब कि जो एंगल बी था हमारे पास ट्राइंगल के जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड साइड राइट साइड वाले एंगल सी के बराबर है कॉनग्रेंट है गिवन कंडीशन के अंदर आ रहा है फिर तो हमारे पास जो एंगल बी ए डी है वो एंगल सी ए सी के बराबर हो गया जब साइड्स इक्वल हैं उसका एंगल इक्वल है तो एंगल साइड मतलब कि एंगल सारे का सारा एंगल ही सेम आ गया ना हमारे पास तो तो यहाँ पे भी सारे का सारा एंगल सेम आ जाता है जो कि हमने खुद की कंस्ट्रक्शन करके डेवलप किया था कि हम हमने एक बाय सेक्टर को ड्रॉ किया था फ्रॉम पॉइंट ए और हमने उस बाय सेक्टर को बेस के ऊपर कट किया था ट्राइंगल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था जब हमने ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो उनका एक जो कॉमन साइड थी वो ए डी वो कन्गर्न होगी दूसरी कॉमन साइड के फिर उसके बाद एक जो एंगल था बी वो कन्ग्रेंट होगा दूसरे एंगल सी के फिर उसके बाद जो दोनों के दोनों एंगल से जो पूरी साइड के मेजर एंगल बन रहे थे वो पूरे का पूरी एंगल विद साइड बी एक दूसरे के कन्ग्रेंट होंगे देयर फोर ट्राइंगल ए बी डी इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी मतलब कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो ट्राइंगल ए सी डी के कन्ग्रेंट होगी ना अच्छा इसके बाद हमारे पास जो पासुलेट था साइड एंगल साइड का वो ये बात बता देता है कि अगर अगर आपके पास हमारे पास जो पासुलेट था साइड एंगल एंगल का वो ये बात यहाँ पे प्रूव करता है अगर आपके पास एक साइड हो वो कॉन्ग्रेंट हो दूसरी साइड के और अगर आपके पास एक एंगल हो वो भी कंग्रेड हो दूसरे एंगल के तो फिर आपके पास एक और एंगल जो कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन से या गिवन कंडीशन के तहत हासिल कर सकते हैं और अगर वो भी कन्गुर है दूसरे एंगल के तो वहाँ पे एक साइड और दो एंगल आपस में कंगुरन हो जाते हैं और पूरी की पूरी ट्रायंगल भी आपस में कंगुर हो जाती है और उसकी सबसे अहम रीज़न ये है कि जो हम हमसे उसने हमें गिवन कंडीशन दी थी एक गिवन पासुलेट दिया था कि साइड एंगल एंगल कॉन्ट होते हैं आपस में तो हमने वो यहाँ पे पासवेलेट लगा दिया अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक साइड ए बी थी जो ट्राइंगल की एक लेफ्ट पार्ट पे बन रही थी इसी तरीके से हमारे पास एक ट्राई एंगल ए सी थी जो कि ट्राई एंगल के राइट पार्ट पे बन रही थी क्रॉसबॉन्डिंग साइड है एक ही ट्राई एंगल की जब ट्राइंगल की एक ही साइड मतलब कि जो क्रॉस बॉन्डिंग है हमने ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में लेफ्ट और राइट के अंदर तो दो साइड आपस में इक्वल होंगी तो क्रॉस बॉन्डिंग साइड जो बन रही हैं वो बेसिकली क्रॉग्रेंट एंगल्स उसके अंदर डिवेल्प हो रहे हैं यही एंगल जो कॉन्ग्रेंट एंगल डिवेल्प हो रहे हैं ये ए बी और ए सी के को भी कॉन्ग्रेंट बना रहे हैं तो इसलिए ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हैं अभी तक हमने दो उसके थ्योरम स्टडी किए हैं इस चैप्टर के जो कि बहुत ही अहम थ्योरम्स हैं इन थ्योरम्स की अपनी अपनी एप्लीकेशन है डेफ़िनेटली ये आपके उन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं जो कि आप इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं मसलन कि आप इसके अंदर साइड एंगल साइड साइड एंगल, एंगल एंगल और साइड साइड एंगल ये पासुलेट इसके अंदर अब आप स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास अगर गिवन ट्राइंगल्स हों तो उनकी साइड्स और उनके एंगल्स ये गिवन हो तो हम उन ट्राई एंगल्स को आपस में कन्ग्रेंट बना सकते हैं यानी कि आधी इंफॉर्मेशन वो आपके ट्राई एंगल्स के अंदर ही दे देता है कि आपके पास जो गिवन ट्राई एंगल्स थी उनकी साइड्स और उनके एंगल्स कन्ग्रेंट हैं तो आपने इस ट्राई एंगल को प्रूव करना है और उसे भी कॉन्ग्रेंट बनाना है अब हम उसके एक बहुत ही अहम थ्योरम थर्ड थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर उस पे जाते हैं बहुत ही अहम थ्योरम है इसको स्टडिंग करते हैं इन अ क्रॉस पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द्रॉस बॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अदर देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इससे पहले उसने कहा था कि एक साइड हो एक दो साइड हो और एक एंगल हो फिर वो आ गया कि एक साइड हो और दो एंगल हो और अब वो आ गया कि तीनों की तीनों साइड हो मतलब दो साइड एक एंगल एक साइड दो एंगल और अब तीनों की तीनों साइड्स हैं यहाँ पर तीनों के तीनों एंगल्स भी हो सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेंगे लेकिन फिलहाल तो उसने तीनों की तीनों साइड्स दी हैं अच्छा अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ पर ड्रा करें ट्राइंगल तो हमने ड्रा कर ली उसकी गिवन कंडीशन के मुताबिक हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से एक लाइन डिवेलप कर लेते हैं हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक जब उसने दो ट्राइंगल हमें दे हैं वो इक्वल हैं हमने एक वर्टिकल किया फ्रॉम डी टू एम उसको लाइन को आगे किया ताकि वहाँ से हमें एंगल्स मिल जाएँ और वहाँ से हमें हमारी साइड आपस में कट जाएँ जब ये साइड आपस में कट के आगे बढ़ गई तो आ हमें पता चल गया जो गिवन कंडीशन के मुताबिक ए बी और डी ई ए बी और डी ई इक्वल है बी सी और ई e, एफ ये भी इक्वल है बी सी और ई e, एफ ये भी इक्वल है सी ए और एफ डी ये भी इक्वल है इक्वल ये कन्गोरेंट है तो हमें प्रूफ क्या कर करना है कि दो ट्राइंगल्स आपस में कन्गोरेन्ट हैं मतलब हमें दो ट्राइंगल्स की जो तो डिफरेंट साइड्स हैं वो आपस में कन्गुरेंट मिल रही हैं उसकी गिवन कंडीशन के मुताबिक प्रूव हमें ये करना है कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कन्गुरेंट हैं हम यहाँ छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ की जो साइड ई e एफ है वो समालर है मतलब ये जो उसकी साइड है ना ई एफ ये समालर है देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड ऑन ई एफ कॉन्स्टेंट ए ट्राइंगल एम ई एफ इन विच मेयर एंगल एफ ई एम इज इक्वल टू इज़ कॉन्ग्रेंट एम ई इज कॉन्ट टू ए बी ज्वाइन डी एंड लेबल्स मतलब कि वो एक साइड छोटी थी हमने वहां से एक परपेंडिकुलर गिराया परपेंडिकुलर गिराने से उस ट्रायंगल एंगल को उसने चार पार्ट्स में तब्दील कर दिया चार पार्ट्स बन गए तो हमें वहाँ चार एंगल मिल गए जब हमें वहाँ चार एंगल मिल गए तो हमने उन चार एंगल को नेम दे दिया देखा जाए तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बिल्कुल सिमिलर है उसकी जैसी प्रोकल है वहीं पे हम इसको प्रूव कर देते हैं यहीं पे हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी या एम ई एफ ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी आपस में सिमिलर होगी सेम वैसे जैसे हम प्रीवियस से प्रीवियस हम करके आए हैं सिमिलर है यहाँ पर गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने कंस्ट्रक्शन क्या की ये एंगल बी और एफ ई एम ये हमने डिवेल्प किया कंस्ट्रक्शन करके ताकि हमारा सोलूशन इख्ताम को पहुँचे फिर हमने ए बी और एम ई e ये ले लिया ये भी कंस्ट्रक्शन करके हमने हासिल किया यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ तो हमें गिवन है यहाँ हमने कंस्ट्रक्ट करके खुद हासिल कर ली मतलब कि हमें साइड्स गिवन थी उसके बाद हमने एंगल्स वहाँ परपेंडिकुलर गिरा के हमने वहाँ पे सिमिलर एंगल ले लिए इसके बाद ट्राइ ए बी सी एंड ट्राइंगल एम ई एफ ऐसे एस पासवर्ड के मुताबिक आपस में कन्ग्रेन है मतलब साइड एंगल साइड पासवर्ड के मुताबिक आपस में कन्गुलर है जब उसकी एक साइड और एंगल और फिर एंगल जब उसकी एक साइड एंगल और फिर साइड ये आपस में कन्ग्रेन होंगी तो ट्राइ आपस में कनग्रेन होंगी यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर वो कहता है कि सी ए जो साइड है वो एफ एम की इक्वल है जब हमने न्यू ट्राइंगल बना ली बायसाइड गिरा के तो डेफिनेटली जो दो साइड आपस में इक्वल थी कॉन्ग्रेंट थी वो अपने एंगल्स को भी कन्ग्रेंट करेंगी और अपने साइड्स को भी कन्ग्रेंट करेंगी क्योंकि वो सेम साइड आ रही हैं प्रूव हो जाता है ये यह यहाँ पे इसके बाद वो कहता है कि जो सी ए है ये एफ डी के इक्वल है कैसे भाई ये तो तूने खुद बताया था कि जो हमारी साइड्स हैं वो आपस में कन्ग्रेन हैं गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक थी कि तीनों की तीनों साइड आपस में कन्ग्रेंड हैं देखें बार 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 वही इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, है जिसने हमें गिवन किया है इसलिए हमें क्वेश्चन की इसलिए हमें थ्योरम की स्टेटमेंट को बगौर देखना होगा कि वो थ्योरम में जो चीज़ें हमें कह रहा है वो हम लिखें गिवन के अंदर जो प्रूव करने वाली बातें हैं वो प्रूफ में लिखें और जो कंस्ट्रक्शन करने वाली बातें हैं वो कंस्ट्रक्शन में लिखें ताकि जब हम अपने थ्योरम को प्रूव कर रहे होंगे तो विथ स्टेटमेंट एंड रिजन ये ईजिली प्रूव हो सके यहाँ पे एफ एम एफ डी के इक्वल हो जाता है ये एफ एम इस एफ डी के इक्वल हो जाता है कैसे भाई सी एफ एम की इक्वल था और यही सी एफ डी की इक्वल था जब दो चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं और दूसरी ये पहली चीज़ किसी तीसरी चीज़ के इक्वल होती है तो मतलब दो चीज़ें आपस में भी इक्वल होती हैं ठीक है हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर वो कहता है कि आप अपने एंगल्स देख लो आप जो अपनी ट्राइंगल एफ डी एम है उसके चार के चार एंगल आपस में सेम हैं ठीक है वन टू थ्री फोर ठीक है one, two, इन चारों एंगल की आपस में जो एडिशन है ये भी आपस में बराबर है ठीक है जब चार के चार एंगल बराबर हैं उनकी एडिशन बराबर है तो ट्राइंगल के ट्राइंगल की ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर होगी ये भी ठीक है उसके बाद कहता है जब ट्राइंगल आपस में बराबर होंगी उनकी साइड आपस में बराबर होंगी तो ट्राइंगल भी आपस में बराबर है ठीक है उसके बाद कहता है जब उनकी तीन जब उनकी सारी ट्राइंगल की एंगल भी बराबर उनकी साइड भी बराबर तो उनकी सारी की सारी साइड भी बराबर और सारी की सारी ट्राइंगल भी बराबर होंगी मतलब साइड भी बराबर एंगल भी बराबर और उनकी ट्राइंगल्स भी बराबर वो जितनी ट्राइंगल्स वहाँ पर जनरेट हो रही हैं यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है विद दिस कि हमारा ये थ्योरम भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है विद दिस के अगर हमारे पास कोई भी साइड्स और कोई भी एंगल्स हों तो हम उनको प्रूव कर सकते हैं विद गिवन कंडीशन विद गिवन कंस्ट्रक्शन अहम चैप्टर है अक्सर क्वेश्चन इसमें से पेपर में से आ जाता होता है ख़ास तौर पे ये वाला थ्योरम अक्सर पेपर में आ जाया करता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कोई इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है बहुत ही सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ आपने अपने थ्योरम के ऊपर फोकस करना होगा यहाँ पे हम इस चैप्टर को इख्ताम करते हैं मैं नेक्स्ट टाइम इससे अगले चैप्टर को लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कीजिए और ख़ास तौर पे इस लास्ट थ्योरम को मजीद अच्छे तरीके से कीजिए क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं अपने अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त चाहिए इन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे आपका टीचर खुरम जावेद अल्लाह हाफिज